Hi everyone, welcome to ACADS. So, this is the lecture for our last 15 days strategy. You must be thinking that still there are more than 60 days remaining for the prelims, and why acads is coming up with a strategy of last 15 days. This is because in order to prepare for last 15 days, you need to start from now. 60 days, and then only you will be able to prepare well for last 15 days. So let's start. First of all, there is going to be not much gain in this video. We are only going to give you two scientific techniques. Number one, this is to help you sync your brain with UPSC. just say just a UPSC time Second one is to how to plan for last 15 days. This will be again based on Excel sheet and analytics and not like random gyan without any basic. So, how to sync your brain with UPSC? So, this is going to be a three-step process. I'll explain everything in very brief. So the whole philosophy behind this is in last 15 to 20 days you should be focusing on upsc previous year papers only so currently you might be solving test series of many coaching institutes but starting september 15 so prelims is on october 10 uh, this has been made for uh, upsc 2021 so prelims is on october 10 21 so starting september 15 do not touch any test series except upsc P pyq if you call it a test series cse p y q why number one because if you look at any institute test series you will realize that they have failed repeatedly to replicate upsc difficulty level you can see this in two ways number one is quantitative how quantitative quantitative is very easy to quantify if you look at upsc there are generally three four kind of questions number one is us सिंगल चॉइस क्वेश्चन एज इन दे एक क्वेश्चन रहेगा फिर ए बी सी डी उसमें से फिर एक करेक्ट होगा नंबर टू क्वेश्चन से इसकी दो स्टेटमेंट दे, दे देंगे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू फिर वन ओनली टू ओनली बोथ एंड नन एंड देन अदरवाइज की थ्री स्टेटमेंट्स दे देंगे उसमें से फिर बताना होगा वन ओनली वन एंड थ्री टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री एक्सेट्रा उसके बाद आजकल वन टू थ्री फोर फोर्थ स्टेटमेंट्स भी आने लग गए देन देर इज मैच द कॉलम सो so, अगर आप इस तरीके से लेंगे तो टोटल देयर आर सिक्स टू सेवन काइंड कैटेगराइज सिक्स टू सेवन काइंड एंड वी डिड दिस एनालिसिस ऑन यू पी एस सी प्रीवियसर क्वेश्चन की हर साल कितने ऑन एन एवरेज किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनका मिक्स क्या है सो वी रियलाइज कि वैन वी कंपेयर दिस विद अदर इंस्टीट्यूट्स कोचिंग टेस्ट पेपर उसमें कोई कोरिलेशन ही नहीं था कि लाइक like, जो यू पी एस सी का पैटर्न है इट्स वेरी डिफरेंट फ्राम अदर इंस्टीट्यूट्स यू कैन डू दिस एक्सरसाइज योर सेल्फ एंड यू कैन शेयर योर रिजल्ट डू वन थिंग लाइक डू इट फॉर 2019 थाउजेंड नाइनटीन और ट्वेंटी दो साल के लिए कि डेटा इनफ होगा एंड देन टेक योर फेवरेट इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज एंड उसके लिए भी आप थ्री फोर पेपर्स के लिए करिए फिर एवरेज देखिए कि सिक्स सेवन काइंड्स के क्वेश्चन में कितना कितना होता है एंड देन सी द डिफरेंस सो वाई दिस इज अ बिग थिंग बिकॉज इफ इट इट अफेक्ट्स द टाइम कितना लग रहा है कितनी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज यूज़ हो रही हैं इन केस तो यू पी एस सी दे इज अ पैटर्न दे फॉलो मोरल सिमिलर मिक्स बट इन केस ऑफ अदर इंस्टीट्यूट वो मिक्स नहीं है सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू

कभी नहीं करता यू ऐसा नहीं करेगा सो so, इससे या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं बट द थिंग इज़ कोई कोरिलेशन नहीं है कि आपके जितने इंस्टीट्यूट के टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं वर्सेज आपका यू पी एक्चुअली क्लियर होगा या नहीं सो प्लीज़ यूज़ द राइट मेट्रिक टू मेजर योर प्रिपरेशन यूज़ प्रीवियस ईयर यू पी एस सी पेपर्स सो so, एक आर हाँ, सितंबर 15 से ये जब बंद कर देते हैं तो आपका माइंड फिर से रीलर्न के लिए तैयार होता है जो भी आपकी ओल्ड लर्निंग्स हैं आपने हो सकता है उस टेस्ट सीरीज के लिए ऑप्टिमाइज करा हो अपने ब्रेन को वो सही रहता है एंड देन यू स्टार्ट अप फ्रेश उसके बाद फ्रॉम स्टार्टिंग फिफ्टीन और यू कैन टेक ट्वेंटी और ट्वेंटी स्टार्ट फ्राम द सिविल सर्विस प्रिलियम्स टू पेपर उसको आप सॉल्व करिए एंड देन चेक फ्रॉम ऑफिशियल आंसर की ओनली दिस इज़ वेरी क्रूशियल इफ़ यू चेक इवन योर फेवरेट इंस्टीट्यूट देर माइट बी मिस्टेक ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन ऐसा हुआ है आप खुद चेक कर सकते हैं सो स्टार्ट विद द ऑफिशियल आंसर की टेन ईयर पेपर क्यों क्योंकि इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड दिस इज सफिशेंट टेस्ट डेटा सो हर एनालिटिकल मॉडल में जो डेटा रहता है या टेस्ट डेटा रहता है बेस्ड ऑन विच यू आर गोइंग टू फ्रेम योर स्ट्रैटेजी एंड मॉडल इट शुड बी सफिशियंट तो अगर ये सेवन एट सेवन एट से टेन ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो यू विल गेट समथिंग अराउंड एट हंड्रेड से थाउजेंड क्वेश्चन सो इट इज़ इनफ टू फ्रेम योर स्ट्रैटेजी अनदर थिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड आफ्टर experimenting with various numbers 15 by 20 model is perfect for internalization ki jab aap last ke 15 ya 20 days mein 10 agar aap upsc ke previous year question solve karenge aapke brain mein internalize ho jayega ki upsc kis tarike se answers mark kar raha hai ki suppose if there is emissions to तो all correct karega ya science and tech ka question hai to kahan par all करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ये coaching institutes के paper solve करने से you can never learn this is something that you need to focus you can learn only from solving upsc previous year question papers only and in fact this is true for all the examinations je cat gate gmat gre every exam and then ultimately you need to leverage the course that you have that is a cats compact prelims course tfs intelligent guessing and tfs strategy intelligent guessing we are going to give you around 25 to 33 techniques which you can use and

सो यूजिंग इंटेलिजेंट गैसिंग इज लाइक लर्निंग स्विमिंग यू कै नॉट लर्न जस बाय रीडिंग बुक्स और जस्ट बाय लर्निंग थियोरी यूनिट टू अपलाई इट इन प्रैक्टिकल एंड देन लर्न इट सेकंड इन 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 इनकेस ऑफ स्ट्रैटेजी जैसा कि आपको मालूम होगा वी हैव गिवन थ्री फोर स्ट्रेटजी नंबर वन इज की हंड्रेड इन टू टू प्लस वन आप एक राउंड लगाइए हंड्रेड क्वेश्चन का सेकंड राउंड लगाइए थर्ड राउंड लगाइए लगाइए फॉर मी दिस स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट स्टूपिडिटी आप एक राउंड लगाते हैं फिर से जब आप सेकंड के लिए आते हैं तो काफ़ी लेट हो चुका होता है यू विल हैव टू यूज़ योर ब्रेन अगेन सो इट इज़ अ वेरी इनोफिशेंट प्रोसेस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द थिंग द टेक्निक दैट आई सजेस्ट इज 25 फाइव इंटू फोर दैट इज़ क्या ट्वेंटी फाइव मिनट्स में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करते जाइए रिपीटेड फोर टाइम्स उसके बाद आपके पास अराउंड ट्वेंटी मिनट्स बचेंगे उसमें यू कैन चेक दीज क्वेश्चन पेपर्स या फिर आप ट्वेंटी फाइव इंटू टू करिए ओ फिल करिए ट्वेंटी करिए फिर फाइव मिनट्स ओ करिए अल्टीमेटली करिएटीमेटली टेन मिनट्स बचेंगे उसमें आप जो फाइव क्वेश्चंस बचे होंगे उनको चेक करिए सो दिस वी हैव एक्सप्लेन वेरी इन वेरी डिटेल इन योर टी एफ एल स्ट्रैटेजी कोर्स ओके सो जब आप ये फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम एग्जिस्टिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन यू पी एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उससे आपका ब्रेन सिंक होता है देन अल्टीमेटली यू यूज इंटेलिजेंट गैसिंग टी आई जी एंड टी एफ एल स्ट्रेटेजी सो so, इससे आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाते हैं यूपीएससी के लिए एंड वैन एवर दे इज इवन इफ द इज अ न्यू क्वेश्चन यू नो कि यूपीएससी क्या मार्क करेगा सो मार्क करेगामेटली जो इसका रिजल्ट होता है यू विल गेट नेट एडिशनल फाइव टू सिक्स क्वेश्चन करेक्ट फोकस ऑन द वर्ड्स नेट एडिशनल एंड फाइव टू सिक्स एंड आई एम श्योर नाइनटी परसेंट जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं यू आर क्वालिफाइड इनफ यू आर स्मार्ट इनफ तो आपका जो भी एग्जाम अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो इट्स बिकॉज ऑफ जस्ट फाइव टू सिक्स क्वेश्चन ओनली सो इफ यू कैन गेट दिस फाइव टू सिक्स क्वेश्चन करेक्ट बाई सिंग ये विद दउट ऑफ यू पी एस इसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं जा रहा है वी आर नॉट इन आस्किंग यू टू सब्सक्राइब टू आर कोर्स यू कैन डू इट योर सेल्फ सिर्फ लास्ट के टेन ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाइए उनको इंटरलाइज करिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से मार्क करते हैं चेक इट विद ऑफिशियल आंसर की यू विल गेट फाइव टू सिक्स क्वेश्चन करेक्ट एंड यू विल क्लियर इट एंड देन यू कैन थैंक दस लेट हो सो फाइव टू सिक्स क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेक्ट होंगे नाउ कमिंग ऑन टू द सेटजी विच इज ऑल्सो वेरी क्रिशियल this is about last 15 days. so what i am suggesting you ki first plan for last 15 days ki aapke 15 days mein kaise kaise hone wala hai day 1 day 2 day 3 aise day 15 tak ki like do din polity ho gaye because around iske 15 se 20 questions rahenge modern history ho gaya organizations हो गए current affairs हो गए जो भी आपका weak area है या जो भी आपको लग रहा है कि it is going to be beneficial for you प्लान फॉर फिफ्टीन डेज उसके बाद नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज ऐसा करिए कि यू कैन कम्प्लीट दीज थिंग्स इन लास्ट फिफ्टीन डेज एंड हाउ टू डू दैट दिस इज इन दिस लाइक सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीट टू यूज हेयर टी एफ एल स्ट्रैटजी एक्सेल शीट येयर वी हैव कवर्ड एवरी टॉपिक सो इफ यू जूम इट यू कैन सी डैशबोर्ड इनपुट शीट रिजल्ट पॉलिटी स्कीम सी ए मॉडन इंडिया रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इकनॉमिक साइंस एंड कल्चर जोग्राफी एंडवायरमेंट आप किसी भी मॉड्यूल पे जाएंगे तो उसका एक्चुअल जो टाइम है वो आ जाता है एंड हेयर इन इनपुट शीट यू नीड टू प्रिपेयर कि आपके करंट लेवल का प्रेप क्या है पॉलिटी कितना हुआ है प्रोफेशनसी लेवल क्या है बेस्ड ऑन दिस द शीट इट विल गिव यू एक्चुअल टाइम कि आपको कितना ज़रूरत है पढ़ने की सो सपोज दिस इज़ अ जेनरिक अ टेम्पलेट शीट जेनरिक वन जो इसी के अराउंड रहेगा आपका मीन ये हो जाता है इन अराउंड 421 ट्वेंटी वन प्लस टू वन जीरो सिक्स थर्टी वन प्लस वन ट्वेंटी सिक्स is 750 around so सो इन hours you can यू कैन रिवाइज compact कॉम्पैक्ट प्रिलिम्स कोर्स but बट द मोर फोकस शुड बी ऑन 3 थ्री जो आपको लास्ट days डेज में करना है सो so, आपको इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है दिस एक्सेल शीट सो दैट कि ये वाले जो अल्टीमेट नंबर है इट शुड बी लेस देन वन थर्टी आयर्स सो दट यू कैन कम्पलीट कल्चर करंट अफेयर्स इकोनॉमी एनवायरमेंट जोग्राफी मॉडर्न इंडिया ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटी रिपोर्ट स्कीम साइंस एंड टेक इन जस्ट डेज and how you can do that you can do this by optimizing your revision 1 and revision 2 so revision 1 and revision 2 you need to do in 45 days and revision 3 in 15 days so if you can follow just these two techniques just these two techniques what are these tech number one is about syncing your brain with upsc sync your brain with upsc number 2 plan for last 15 days just follow these two techniques and no one can stop you from clearing prelims thank you